आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से एक नया पेटीएम बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार नंबर रहना जरूरी है, इसके साथ आपका आधार कार्ड के मोबाइल नंबर ऐड करना जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ आपका है तो आप बहुत ईजी में अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चले जाना है अपना फ़ोन में प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर सर्च कर लेना है पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ इधर। देखिए इसके बाद हमारा पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट ऐप आ चुका है, इसको अभी इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना फ़ोन में ये ओपन कर लेना है। तो चलिए मेरा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी हम पेटीएम बिजनेस अकाउंट में इंटर हो चुके हैं, इसके बाद हमारा मोबाइल नंबर दे दिए है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको इधर अपना ईमेल एड्रेस देना है। आप चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, बट ये ऑप्शन पे है। बट मैं आपको बताऊंगा अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ज़रूर डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ऐड रेफर कोड, रेफर कोड मतलब आपका जो दोस्त किसी भी रिश्तेदार जिसका पेटीएम बिजनेस अकाउंट है उन्होंने किए हैं, तो आप ऐड रेफर कोड में क्लिक करके अपना रेफर कोड डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आपका आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बताएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको इधर एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर मैं एंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपका जो फ़ोन है जिस नंबर पे अपना आधार कार्ड में ऐड करके रखे हैं तो वो नंबर आपका पास में रखिए, तो इसी नंबर पे ओटीपी अभी जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मेरा जो आधार कार्ड का नंबर है मैं एंटर कर लेता हूँ इधर। अपना पूरा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आई एक्सेप्ट जो छोटा करके घर आपको दिखाई दे रहा है इधर आपको टिक करना है। इसके बाद वेरीफाई आधार ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है। इसके बाद डिजी लॉकर पे ये लोग डिटेक्ट करेगा जो भी आधार वेरीफाई होता है, अभी डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई होता है। तो ये डिजी लॉकर का पेज में आ चुके हैं। अभी देखिए अगेन आपको एक टिक मिल जाएगा, वो टिक में क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरफ का आपको आएगा, आपका आधार नंबर अगेन पूछा जाएगा। तो आपको इधर अपना जो आधार नंबर है वो अभी इसको मतलब फिर से आपको इंटर कर लेना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद नीचे में जो कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चर आपको देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से पूरा डिटेल्स दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अपना जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आपको इधर ओटीपी डाल देना है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, तो ये मोबाइल ओटीपी हमको डाल देना है इधर। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ, डालने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अभी दोस्तों हमारा जो डिजी लॉकर का पासवर्ड है वो इधर एंटर करना है। मैंने पहले से डिजी लॉकर में रजिस्टर करके रखे थे इसलिए हमको पासवर्ड देने के लिए बता रहा है, बट आप पासवर्ड जानते नहीं हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। नहीं तो आप पासवर्ड नहीं बनाया है मतलब आप एज ए न्यू यूजर है तो आपको पासवर्ड देने के लिए बताएगा, तो आपको इधर पासवर्ड आपका डाल देना है, खुद बना लेना है। ठीक है, 6 अंक का। तो इसके बाद देखिए पासवर्ड देने के बाद आपको अलाव वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अलाव वाला ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तब आपका इस तरफ का कुछ पेज में डिटेल आएगा। देखिए KYC प्रोसेस कंप्लीट, तो आपका जो आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों को रीडायरेक्ट करेगा पेटीएम में, तो पेटीएम में आ चुका है। इसके बाद देखिए आपका खुद का एक सेल्फी इधर ले लेना है, तो चलिए एक सेल्फी ले लेते हैं हम। क्लिक सेल्फी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक सेल्फी वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फ्रंट कैमरा ओपन होगा, कोई भी अच्छा प्लेस में जाके क्लियर एक फ़ोटो आपको इधर देना है। फ़ोटो आप ध्यान में रखिए क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होगा तो फ़ोटो ये नहीं लेगा। कोई भी आप चश्मा पहन के रखेंगे को फोटो में कोई भी ठीक ठाक नहीं आ रहा है, ठीक है, तब ये फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। तो आप क्लियर करके फ़ोटो आपको खींचना है। तो चलिए मैं अभी फ़ोटो खींच लेता हूँ, हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। फोटो क्लिक करने के बाद एक बार नीचे में ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट वाला ऑप्शन, राइट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लोडिंग लेगा, तो कुछ टाइम आपको वेट करना है। अभी इसको इधर आपको दिखाई दे रहा है आपका कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, आप क्या बिजनेस करते हैं, बिजनेस का कैटेगरी क्या है। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक चूज कर सकते हैं,
आपका गौसारी है तो गौसारी चूज कर सकते हैं, जो भी है आप सर्च करके आप इधर चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो नेम मिला है उनको जो नाम दिखाई दे रहा है, आपका जो आधार कार्ड का जो नाम है उसी नाम से आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आप ऐड करने के लिए इधर ही ऑप्शन मिल जाते हैं, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट पेटीएम में जो ऐड करके रखें, आप पेटीएम का पहले यूजर है तो पेटीएम में जो बैंक अकाउंट ऐड करके रखें तो ये दोनों बैंक अकाउंट दिखा रहा है। हमने पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हैं तो इसलिए वो डिटेक्ट कर लिया है। देखिए दो बैंक अकाउंट इधर दिखा रहा है हमारा पेटीएम में जो ऐड है, नहीं तो आप ऐड नया बैंक अकाउंट पर क्लिक करके भी आप कोई भी आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा पेटीएम में जो है, मैं पेटीएम को चूज करना चाहता हूँ, इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा तो ये पेटीएम हमारा जो अकाउंट है वो डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा लोकेशन पूछ रहा है ये लोकेशन किधर है, तो आपका मैप ओपन हो जाएगा इसी तरफ से, आपको पॉइंट में रखना है। इसके बाद इधर आपका लोकेशन सही तरीके से डालना है, ठीक है। तो चलिए मेरा जो लोकेशन है मैं सही तरीके से डाल देता हूँ। ऊपर में जो लिखा हुआ है शॉप नेम, तो आपका शॉप नेम जो है वो शॉप नेम एंटर कर दीजिए। तो चलिए मेरा शॉप नेम मैंने एंटर कर दिया है। लैंडमार्क यानी नियर लैंडमार्क आपका क्या है, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, कोई भी पॉपुलर इलाका है, मतलब पॉपुलरिटी प्लेस है, तो आप ये डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इधर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए दोस्तों, आपका जो पेज मेन पेज जो है ये मेन पेज डायरेक्ट करेगा, तो फर्स्ट टाइम ओपन होने के टाइम में ये थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए इधर आपको एक रिव्यू करने के लिए दिया है, जो भाई आपका पूरा जो डिटेल्स है वो सही है कि नहीं वो एक बार देख लीजिए, देखने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमको बता रहा है योर ऑल इन QR कोड इन रेडी, कितना सेकेंड दिखा रहा है आप इधर देख पा रहे हैं, इस तरफ का सेकेंड दिखा रहा है, बट इतना टाइम नहीं लगता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये लिमिट कुछ बता रहा है हम लोगों को, जो लिमिट जो है वॉलेट का लिमिट आप इधर देख पा रहे हैं, ये वॉलेट का लिमिट कितना दिए हैं, 190,000 रुपया लिमिट दिया है वॉलेट का। करेंट जो वॉलेट है हमारा, करेंट वॉलेट का लिमिट एक देखे रखें। तो इसके बाद देखिए बिजनेस ओनर का एक फोटो जो है, जो हमने डाले थे, वो 24 घंटा के अंदर रिव्यू करेगा, उसके बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अगेन आपको फोटो खींच के देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गो टू होम वाला जो ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है ना, आपको इधर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा मेन पेज अभी ओपन हो रहा है, तो एक्सेस को अलाउ कर दीजिए, अलाउ दे दीजिए। इसके बाद देखिए हमारा जो पेज है पूरा आ चुका है, एक के बाद आपको किधर से क्या ऑप्शन है पूरा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है, एकदम इजीली ऐप्स है। आपका QR कोड नीचे में ऑप्शन है, आप साउंड बॉक्स चाहते हैं तो साउंड बॉक्स ले सकते हैं, ऊपर में 3 डॉट है उधर जाके सेटिंग में जाके अपना सेटलमेंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। यही है पेटीएम अकाउंट किस तरफ से ओपन करते हैं, एक छोटा सा वीडियो। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।